वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO पे। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक शानदार धमाकेदार सेशन ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी OBG का, जिसमें अपन 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये MCQ सेशन की क्लास नंबर 57 रहेगी और सुपर सेशन की ये जो क्लास है ये 12 रहेगी। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठे रहिए, शानदार से शानदार एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको क्या है OBG अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फास्ट मिल सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। और इस सेशन पर अपना जो टारगेट रहेगा लाइक्स का, वो रहेगा 100+ लाइक्स का। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, चलो देखते हैं। आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज, वेजाइनल कैनाल कैसी होती है? वेजाइनल कैनाल नॉर्मली कैसी होती है? नॉर्मली हैज कैसी होती है फ्रेंड्स? तो बताइए, सब इसका राइट आंसर कैसी होती है, एसिडिक होती है या फिर एल्केलाइन होती है या फिर नेचुरल होती है? बताएं दोस्तों कैसी होती है। ऑप्शन मैंने बोल दिया है, एसिडिक होती है, एल्केलाइन होती है या नेचुरल होती है, बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि वेजाइना जो है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। एसिडिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वेजाइना जो है हाईली एसिडिक होती है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं अपन कि वेजाइना हाईली एसिडिक होती है। हाईली एसिडिक, इसकी pH कितनी होती है फ्रेंड्स? इसकी pH कितनी होती है? pH इसकी pH होती है दोस्तों 3.5 से 4, बिल्कुल। और ये एसिडिक क्यों होती है, रीज़न बताएं कि इसका जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम क्यों होता है वेजाइना का, रीज़न क्या है? ड्यू टू इसके अंदर प्रेजेंट होता है कौन? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एक बैक्टीरिया होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बताओ दोस्तों, किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस नाम से? डोड्रलिन बेसिलाई के नाम से जानते हैं। डोड्रलिन बेसिलाई, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। डोड्रलिन बेसिलाई की वजह से वेजाइना हाईली एसिडिक मानी होती है, क्योंकि डोड्रलिन जो बेसिलाई है वो वेजाइना के अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरिया है और ये हाईली एसिडिक होता है और इसकी pH 3.5 से 4 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखना। नॉर्मल फ्लोरा होता है वेजाइना का कौन होता है भाई? नॉर्मल फ्लोरा वेजाइना का वो होता है डोड्रलिन बेसिलाई, बिल्कुल डोड्रलिन बेसिलाई जो नॉर्मल फ्लोरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहेगा कि नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना का नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है फ्रेंड्स? अभी बताया है आपको क्या होता है। डोड्रलिन बेसिलाई होता है फ्रेंड्स नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर देना, बहुत शानदार सेशन है, आप ये सेशन ज़रूर अटेंड करना। इससे आपको बहुत अच्छे से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है वो कवर हो जाएगा आपका बहुत शानदार तरीके से।
और ऐसे ही सीरीज़ अपन लेकर आएंगे जिससे कि पूरी ओबीजी का एमसीक्यू सेशन हो जाएगा, पूरी फंडामेंटल का करवा देंगे, हर एक सब्जेक्ट का करवा देंगे दोस्तों एग्ज़ाम से पहले, ये प्रॉमिस है। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट, एसिड मीडियम ऑफ वेजाइनल मेंटेन कौन करता है, वही डोड्रेलिन बेसिलाई, याद रखना। पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर थ्री कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीएच ऑफ वेजाइना कैसी होती है बताओ। एसिडिक होती है, बेसिक होती है, नेचुरल होती है, क्या होती है बताइए। तो बता ही दिया है आपको कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उस टाइम क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वेजाइना है वो कैसी हो जाएगी, हाईली एसिडिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों, हाईली एसिडिक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या रहेगा अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों कि द ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट आर सिचुएटेड इन, बार्थोलिन डक्ट है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, डक्ट्स सिचुएटेड कहाँ होती है बताएं फ्रेंड्स। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि बार्थोलिन ग्लैंड जो है उसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, फ्रेंड्स बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग कहाँ पर होती है जल्दी बताएं, वेजाइना में होती है या फिर यूट्रस में या फिर वेस्टिब्यूल में या फिर सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में बताओ दोस्तों कहाँ होती है, ये लो ऑप्शन भी दे दिए मैंने आपको। अभी इसमें इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होती है, ओपनिंग होती है किसकी बार्थोलिन डक्ट होती है क्या दोस्तों कि ये एक म्यूकस ग्लैंड की होती है, कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड होती है और ये कहाँ पर लोकेटेड होती है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है लोकेशन क्या होती है इनकी, तो ये लोकेटेड होती है लेटरल वॉल ऑफ द वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि जैसे ही अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन रेडी है, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन होने वाली है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या होगा, फाइव नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स बताएं दोस्तों, अभी पढ़ाया है बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है। पहला ऑप्शन लो वेजाइना में, दूसरा ऑप्शन लो यूट्रस में, तीसरा ऑप्शन ले लो ओवेरी में, चौथा ऑप्शन है अपने पास सर्विक्स में, बताओ कहाँ होती है। राइट आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, अभी पढ़ाया है इसका राइट आंसर आप ही दोगे कमेंट बॉक्स में, होमवर्क है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस क्या होती है। नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस बताएं फ्रेंड्स, नॉर्मल पोजीशन क्या होती है यूट्रस की। देखते हैं कौन कौन राइट आंसर देता है, पहले करवा चुका हूं ये क्वेश्चन मैं आपको दोस्तों। जो नॉर्मल जो पोजीशन होती है यूट्रस की वो कैसी होती है, वो होती है एंटीवर्टेड एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड होती है नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लें इस क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या, पहले देख लो कि एंटीवर्टेड क्या होता है, इसके बारे में हल्का सा बता दूं आपको। ये होता है क्या, लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग, बिना बेंड के फॉरवर्ड होना, विदाउट बेंडिंग। एंटीफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, एंटीफ्लेक्शन होता है एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग, एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बहुत शानदार सेशन होने वाला है, वादा करता हूँ ये सेशन आपकी ओबीजी को बहुत अच्छे से क्या कर देगा, कवर कर देगा। ऐसे ऐसे अगर 3-4 सेशन हो गए तो आपकी ओबीजी कंप्लीट करवा देंगे अच्छे से विद क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा अपना, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अभी आपको करवाया है, देखते हैं आपको याद रहता है कि नहीं रहता। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप राइट आंसर लिखना, द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस रिलेशन टू द वेजाइना की, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है यूट्रस की, वेजाइने के साथ क्या रिलेशन रहेगा। ऑप्शन दे देता हूँ आपको, पहला ऑप्शन रहेगा एंटीफ्लेक्शन, दूसरा ऑप्शन रहेगा एंटीवर्जन, तीसरा ऑप्शन रहेगा प्लांटर फ्लेक्शन और ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन क्या रहेगा, डोर्सीफ्लेक्शन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा कि द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ यूट्रस रिलेशन टू द वेजाइना, तो यूट्रस की जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो वेजाइने के साथ क्या रिलेशन बनाएगी, बताएं दोस्तों, एंटीफ्लेक्शन बनाएगी, एंटीवर्जन बनाएगी, प्लांटर फ्लेक्शन बनाएगी या डोर्सी फ्लेक्शन। अभी बताया है आपको पिछले वाले क्वेश्चन में, वही है इसका राइट आंसर। देखते हैं किस किस को याद रहता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एंटीफ्लेक्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, चलो देखते हैं। यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस, यूट्रस विद डिप्रेशन एट द फंडस क्या कहलाता है, कोल्ड, क्या यूट्रस जो है, जैसे ये मान लो ये क्या होता है, ये यूट्रस हो गया, ये कहना चाह रहा है कि ये जो यूट्रस का जो ये फंडस है ये क्या है, ऐसे डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेस्ड यूट्रस का क्या है, फंडस जो है वो डिप्रेस्ड हो गया है, तो ये कैसा यूट्रस है, क्या कहलाएगा, क्वेश्चन कहना चाहता है ये आपसे। तो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा बताओ, किसी को पता हो तो, ऑप्शन चलो ऑप्शन भी ले लो मेरे से, आर्क्यूएट
आर्कुएट यूट्रस, दूसरा ऑप्शन बाइकॉर्नुएट, बाइकॉर्नुएट, तीसरा ऑप्शन सेप्टेट और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों क्या, यूट्रस डाइडेल्फी, डाइडेल्फी। बताओ दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्क्यूएट यूट्रस। ये कैसा यूट्रस है, आर्क जैसा, आर्क्यूएट है फ्रेंड्स, ये आर्क्यूएट यूट्रस है। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, आर्क्यूएट यूट्रस जो है फ्रेंड्स, आर्क्यूएट यूट्रस के बारे में क्या देखेंगे कि आर्क्यूएट यूट्रस जो है ये कैसा होता है, बोल शेप्ड होता है। कैसा, बोर्ड शेप, बोर्ड या फिर बोलते हैं आर्क शेप, आर्क शेप्ड होता है ये, आर्क्ड शेप होता है। और मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमली है ये, मोस्ट कॉमन याद रखना, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमली, यूटेराइन एनोमली मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स ये आपके लिए। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है बेहतरीन क्लास लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं फ्रेंड्स। टेन नंबर क्वेश्चन क्या, थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस दोस्तों ओबीजी चल रही है, 100 क्वेश्चन अपन ओबीजी के करने वाले हैं इसके अंदर, तो थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है जल्दी सी कमेंट बॉक्स में बता दें मुझे, थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, सबसे मोटी लेयर कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, मायोमेट्रियम, मायो से मिडल, मायो से मोटी, मायो से मायोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या रहेगा अपना, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन कैविटी कौन सी होती है, म्यूकस लाइनिंग ऑफ यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी की म्यूकस लाइनिंग कौन सी होती है, यूटेराइन कैविटी की फ्रेंड्स कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम, एंडोकार्डियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, कौन सी होती है बताओ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, कि म्यूकस लाइनिंग जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। कैसी, एंडोमेट्रियम, जो इनर लेयर होती है यूट्रस की, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, इनर लेयर होती है किसकी, यूट्रस की, यूट्रस की इनर लेयर होती है फ्रेंड्स एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बारह क्या है दोस्तों, यूटेराइन पेसमेकर सिचुएटेड कहाँ होता है बताओ, यूटेराइन पेसमेकर कहाँ सिचुएटेड होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ सिचुएटेड होता है यूटेराइन पेसमेकर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होने वाला है कॉर्निया ऑफ द यूट्रस, क्या होने वाला है दोस्तों, कॉर्निया ऑफ यूट्रस, यूट्रस का कॉर्निया जो होता है वहाँ पर सिचुएटेड होता है कौन, यूटेराइन पेसमेकर। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं तेरह नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल साइज क्या होगी यूट्रस की जल्दी सी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दे दोस्तों। तो नॉर्मल साइज होगी यूट्रस की कितनी होगी, वो होगी दोस्तों
7.5 इंटू 5 इंटू और 2.5 सेंटीमीटर में है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नॉर्मल यूट्रस वेट, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, यूट्रस का नॉर्मल वेट कितना होता है दोस्तों, नॉर्मल कितना होता है यूट्रस का वेट, जल्दी से बता दे दोस्तों, दोनों कंडीशन में बताना आप, नॉन प्रेग्नेंट में और प्रेग्नेंट में कितना कितना होता है दोनों का बता दो। नॉन प्रेग्नेंट में तो होता है 60 ग्राम वेट, और प्रेग्नेंट में कितना होता है, 900 to 1000 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, साथियों वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सेशन लाने के लिए, फ़ायदा आपका ही है दोस्तों, सेशन शानदार होगा, उसके हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको 100% फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है उनसे, जब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तब देख लेना चाहिए आप कि सर ने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से आए हैं कि नहीं आए, बिल्कुल आएंगे, कह रहा हूँ दोस्तों, सीधा सीधा कह रहा हूँ, जो करवा रहा हूँ वो आएगा। चलो, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी नोन एज क्या कहते हैं बताओ, प्रेगनेंसी में, हिंदी में बोल देता हूँ, प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ, एंडोमेट्रियम क्या कहलाती है प्रेगनेंसी में, तो इसे कहते हैं क्या, क्या कहते हैं दोस्तों बताओ, डेसीडुआ, बिल्कुल डेसीडुआ कहलाती है, डेसीडुआ जो है प्रेगनेंसी की एंडोमेट्रियम को डेसीडुआ कहते हैं, ये इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, इनर लाइन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ एंडोमेट्रियम की ये इनर लाइनिंग होती है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम हैज़ इम्प्लांट इट्सेल्फ द एंडोमेट्रियम, इज नोन एज क्या कहलाती है वो एंडोमेट्रियम, जिसमें क्या है फर्टिलाइज ओवम है वो इम्प्लांट हो जाता है, नोन एज किसे क्या कहते हैं, अभी समझाया है दोस्तों आपको क्या कहलाता है वो, तो वो कहलाता है अपना क्या, डेसीडुआ, अभी बताया है डेसीडुआ कहलाता है। फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या होगा अपना, 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, 17 नंबर अपना क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलो देख लेते हैं कि कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसीडुआ, कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसीडुआ क्या होता है, कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसीडुआ, डेसीडुआ का क्या फंक्शन होता है दोस्तों, तो ये क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी को क्या करती है, मेंटेनेंस करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कि कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज, कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज तक का क्या होता है दोस्तों,
इसका क्या राइट आंसर होगा? कॉर्पस का मतलब होता है दोस्तों बॉडी, बॉडी का पूछा है अपने, बॉडी ऑफ यूट्रस। कॉर्पस क्या होता है? बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बताएं आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो कॉर्पस जो होता है उसकी, उसका जो साइज होती है, उसकी लेंथ होती है जो भी है, तो वो कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों कॉर्पस की बॉडी की, वो होती है कितनी, 5 सेंटीमीटर। और सर्विक्स की कितनी होती है? सर्विक्स की होती है दोस्तों कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब दोनों का अनुपात देख लेते हैं, कॉर्पस और सर्विक्स कितना होगा, 5:2.5, तो ये हो जाएगा 2:1। बिल्कुल दोस्तों 2:1 जो इसका वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि लेंथ ऑफ सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है दोस्तों? तो सर्विक्स की लेंथ होती है फ्रेंड्स कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 है, सर्विक्स किससे डेवलप होती है? सर्विक्स डेवलप फ्रॉम सर्विक्स किससे डेवलप होती है? सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, बताएं दोस्तों किससे होती है? कि मैं आपको ऑप्शन दूं तो क्या होगा, इसके ऑप्शन देख लो एक बार आप, कि वुल्फियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, वुल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट, या फिर मीजोनेफ्रस, या फिर मेटानेफ्रस, बताओ दोस्तों क्या होता है इसका राइट आंसर। तो इसका सर्विक्स डेवलप होती है किससे? मुलेरियन डक्ट से, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुलेरियन डक्ट से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्या, कि फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग कैसी होती है? अब फेलोपियन ट्यूब में अपन पहुंच चुके हैं, तो फेलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग होती है इज लाइंड बाय किससे लाइन होती है? फेलोपियन ट्यूब में किस प्रकार के एपिथेलियम पाई जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, कैसी होती है फेलोपियन ट्यूब में? सीलिएटेड होती है। कैसी? सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। बिल्कुल फ्रेंड, सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की लेंथ कितनी होती है फेलोपियन ट्यूब की? लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब, लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो लेंथ कितनी होती है फ्रेंड्स? तो लेंथ होती है कितनी, 7-12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि पैग सेल आर सीन इन किसमें पाई जाती है? पैग सेल पाई जाती है किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसके अलावा देखते हैं नैरोस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का नैरो पार्ट कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 24 नैरोस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का नैरोस्ट पार्ट क्या होता है? नैरो, बिल्कुल नैरो पार्ट। तो दोस्तों नैरोस्ट पार्ट इसका होता है क्या फेलोपियन ट्यूब का, वो होगा इंटरस्टिशियल जो है वो नैरोस्ट पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहेगा दोस्तों अपना, कि लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। आज अपन ओबीजी के 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे सीक्वेंस वाइज। पहले अपन लेके चल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों लॉन्गेस्ट जो पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का वो कौन सा होता है, पोर्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब लॉन्गेस्ट पोर्शन, बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का वो कहलाता है दोस्तों क्या, एम्पुला या फिर एम्पुलरी पोर्शन जो है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन कहलाता है फेलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, कि फंक्शन क्या है फेलोपियन ट्यूब का, फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब बताओ दोस्तों क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या 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 फंक्शन होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है और मैं आपको एक एक फंक्शन इसके बता देता हूं। तो पहला फंक्शन इसका क्या रहेगा दोस्तों, कन्वे द फर्टिलाइज्ड ओवम या फिर इसको जाइगोट कह सकते हैं, जाइगोट नॉट फिटस फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द यूट्रस टुवर्ड द ओवरी। और जो स्पर्म है, स्पर्म क्या करेगा टुवर्ड्स स्पर्म फ्रॉम द यूट्रस टुवर्ड टुवर्ड द ओवरी। ये कहना चाह रहा है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो एक माध्यम होता है फर्टिलाइज ओवम या फिर जाइगोट का, कहाँ से, ओवेरी से यूट्रस तक लाने का। और स्पर्म जो होता है वो आता है कहाँ से, यूट्रस से ओवेरी की तरफ, और आगे क्या फेलोपियन ट्यूब के अंदर आके क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज एग को फेलोपियन ट्यूब जो है उसकी जो सीलिएटेड एपिथीलियम है वो उसके थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस के अंदर। तो ये कहना चाह रहा है ये फंक्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का। इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, ये प्रोवाइड करती है साइट फर्टिलाइजेशन के लिए, साइट प्रोवाइड करती है फॉर फर्टिलाइजेशन। और वो साइट कौन सी होती है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फेलोपियन ट्यूब, मोस्ट कॉमन टाइप साइट बताओ दोस्तों, तो वो होती है कौन सी, सबको पता है एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बेहतरीन सेशन चल रहा है दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी तो आपसे मैं वादा करता हूं कि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आने वाला हर एक क्वेश्चन आपका राइट होने वाला है। आने वाले CHO एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस सेशन से आने वाले हैं आपके। चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट अपन, कि एक्सरे स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या कहलाती है, एक्सरे स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है क्या, साल्पिंगोग्राफी कहलाती है एक्सरे की स्टडी ऑफ फेलोपियन ट्यूब की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कि
विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप करता है? क्वेश्चन नंबर 29 कि विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी डेवलप जाइगोट डेवलप करता है, बॉडी का कौन सा पार्ट फीमेल की जाइगोट डेवलप करता है? ऑप्शन सुन लो, वेजाइना, ओवरी, फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस। पता है दोस्तों जो जाइगोट है वो कौन डेवलप करता है? तो याद रखना फेलोपियन ट्यूब, बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब है वो क्या करती है, जाइगोट को डेवलप करती है। डेवलप कहाँ होता है जाइगोट, वो होता है इसमें। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट इनटू यूट्रस आफ्टर, फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर कितने दिनों बाद इम्प्लांट हो जाता है दोस्तों, बताएं फर्टिलाइज ओवम जो है इम्प्लांट कितने दिनों बाद हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों क्या, 7 डेज। ये क्वेश्चन वेरी करता है, कभी कभी 7 की जगह 5 डेज भी इसका आंसर चला जाता है, तो अपन मोस्ट कॉमन तो होता है 7 डेज, इसको याद रखना मोस्ट कॉमन होता है क्या, 7 डेज। अब देखते हैं नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वो होती है साइट कौन सी होती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दुनिया के हर एक नर्सिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि एम्पुला, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एम्पुला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या रहेगा अपना कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस दोस्तों, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक प्लेस इन कहाँ होता है? ऑप्शन सुन लो, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट और सर्विक्स, कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ओविडक्ट, क्योंकि दोस्तों फेलोपियन ट्यूब को ही क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी आ रही है जिस पर आपको बहुत बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि चलो मैं आपको बोलता हूँ, क्वेश्चन आपको पुट करता हूँ कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्या कहलाता है कि
फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। द डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो ओवा एक साथ रिलीज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग रहेगी तो वो कहलाता है दोस्तों क्या? सुपरफिटेशन। क्या कहलाता है? सुपरफिटेशन कहलाता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड सुपरफिटेशन। ठीक है, सुपरफिटेशन कहलाता है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, क्वेश्चन नंबर 34 ले लेते हैं कि अगर सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कि सक्सेसिव फर्टिलाइजेशन ऑफ टू और मोर ओवा कि टू और मोर ओवा क्या हो जाए, टू और मोर ओवा क्या हो जाए, सेपरेट सेक्सुअल इंटरकोर्स से सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में, टू और मोर ओवा इन सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टू ओवा अगर डिफरेंट अपने को मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सुपरफिकेशन। क्या? सुपरफिकेशन कहलाता है। बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि डिफरेंट डी में क्या आता है? डिफरेंट आता है, तो इसका राइट आंसर में डी नहीं आएगा, सुपरफिटेशन आएगा। और जिसमें डी आएगा उसमें क्या है? डिफरेंट लेकिन अपने को उल्टा सोचना है कि सेम साइकिल में देखने को मिलता है। तो ऐसे इसको याद आप रख सकते हो। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों कि अलग अलग क्या लिखना है अपने को इसमें कि सुपरफिकेशन बिल्कुल दोस्तों याद रखना इस चीज़ को। ये जो टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर टू और मोर ओवा क्या रिलीज हो जाना, वो तो कहलाता है सुपरफिकेशन। और दूसरा जो है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओवा रिलीज इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो रहा है तो वो कहलाता है सुपरफिटेशन। दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, आप कवर कर लेना इसको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलो देख लेते हैं, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो 35 नंबर क्वेश्चन अपना रहेगा दोस्तों क्या? ओव्यूलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे अपन कि व्हाट इज ओव्यूलेशन। क्या होता है ओव्यूलेशन जल्दी बताएं दोस्तों। बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है और वीडियो को आप लाइक जरूर करें, 100 प्लस लाइक का अपना टारगेट है। तो दोस्तों 100 प्लस लाइक इस वीडियो पर मुझे चाहिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो आप मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर दोगे और मैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। 1 जनवरी को एक अनाउंसमेंट करेंगे अपन, बहुत ही शानदार होने वाली है, सभी बच्चों को वो अनाउंसमेंट देखनी है। जिसने भी नहीं देखी तो ज़रूर देखनी है क्योंकि जिसने नहीं देखी ना दोस्तों तो उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और उस दिन अपन 2-3 घोषणा करने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो जो आपके फ़ायदे के लिए होगी। तो दोस्तों ओव्यूलेशन क्या होता है, डिफाइन करें ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन होता है दोस्तों क्या कि रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स। कि ओव्यूलेशन इज़ द प्रोसेस, ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओसाइट रिलीजिंग ओसाइट
ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ड्यू टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। बिल्कुल दोस्तों, ग्राफियन जो फॉलिकल्स है वो रप्चर हो जाती है, उससे क्या है जो ओवम है वो बाहर आ जाता है और ये ओवुलेशन, ये प्रोसेस कहलाती है ओवुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 रहेगा कि ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन अकर्स एट कब होता है। तो दोस्तों ओवुलेशन कब होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, याद रखना इसको कि 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले ओवुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बने रहें दोस्तों लास्ट तक, बेनिफिट उठाना है आपको तो लास्ट तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो पूरे दिल दिमाग और शरीर से जुड़ जाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि कंटेंट मुझे पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ। कंटेंट बहुत शानदार डिलीवर हो रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है, वो भी मेरे साथ। आप कंटिन्यू बने रहो मेरे साथ, आपका सिलेक्शन श्योर होगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो CHO पूछेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि ह्यूमन के अंदर क्या है, 28 डेज की साइकिल होती है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो ओव्यूलेशन कब होगा, कौन से दिन होगा, ओव्यूलेशन कौन से डेज में होगा दोस्तों, तो वो होगा 14 दिन पहले, तो 14 डेज पे होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की फ्रेंड्स एक चीज़ बताओ, एक फीमेल है जिसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 38 डेज की है, तो उसको ओवुलेशन कब होगा उसका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे बताएं, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर मुझे दे देना। लिख लो एक बार पेज पे किसी पर कि 38 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका ओवुलेशन कब होगा, देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 अपन देखते हैं, जब तक इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही देना। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आफ्टर ओवुलेशन हैज़ अकर्ड द ओवा रिमेन वायबल, ओवा जो है वो कितने टाइम तक वायबल रहेगा, वहाँ पर जिंदा रहेगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवा जो है वो कितने टाइम तक वहाँ पर वायबल रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 12 से 24 घंटे जो अंडा जो होता है वो 12 से 24 घंटे वेट करता है स्पर्म का। बिल्कुल दोस्तों, कितने, 12 से 24 घंटे तक स्पर्म का वो इंतज़ार करता है कि स्पर्म आएगा, हम मिलेंगे और मिलकर हम 2 से 3 हो जाएंगे, ऐसा वो सोचता है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ भी करो, ओवा फेंक के मारो, अंडा फेंक के मारो, या कुछ भी फेंक के मारो, वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें, आपका फ़र्ज है वीडियो को लाइक करना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा दोस्तों, चलो दोनों ही एक चीज़ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि ओवम जो है, ओवम जिसे ओवा कहते हैं अंडा, और एक होता है स्पर्म, ठीक है दोस्तों, तो ये कितने टाइम तक जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर वायबल रहते हैं, रिमेन रहते हैं, वायबल रहते हैं,
या फिर जिंदा रहते हैं, ये कहना चाहते हैं। ओम आपने बता दिया कि 12 से 24 घंटे जिंदा रह सकता है। इसके अलावा दोस्तों स्पर्म जो होता है, स्पर्म होता है वो कितना कितने घंटे तक जो है वो जिंदा रह सकता है, तो स्पर्म जो है दोस्तों वो 48 से 72 घंटे तक फैलोपियन ट्यूब में जिंदा रह सकता है। अगर दोस्तों इंटरकोर्स हो जाए कि जो ओविलेशन था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओविलेशन से, ओविलेशन कब होता है दोस्तों कि जो एमसी होती है उसके 14 दिन पहले होता है। अगर इससे पहले आपने एक या दो दिन पहले आपने क्या किया है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है जो ओविलेशन की, जो एमसी की, जो आने की जो डेट है उसके एक या दो दिन पहले अगर आपने किया है इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी होने के चांस पूरे हैं, प्रेगनेंसी होने के चांस जो है वो 100% रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्पर्म जो है वो 2 से 3 दिन तक अपने जेनिटल ट्रैक में रहता है, 2 से 3 दिन तक। तो दोस्तों 2 से 3 दिन आपने 2 दिन पहले भी किया है तो क्या होगा, ओविलेशन हो जाएगा 3rd दिन, और ओविलेशन होते ही ओवम यहाँ पहुँच जाएगा, ओवम पहुँच जाएगा और स्पर्म पहले से यहाँ पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी होने के 100% चांस होते हैं। इसलिए क्योंकि दोस्तों स्पर्म जो होता है वो 48 से 72 हावर्स तक वायबल रहता है अपने जेनेटल ट्रैक में, फैलोपियन ट्यूब में, और ओवम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 से 24 घंटे तक ही रहता है। इस अपन कहें अगर कि 12 से ओविलेशन के 12 से 24 घंटे 24 घंटे के बाद अगर अपन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो दोस्तों कोई चांस नहीं होता, बहुत कम चांस होता है, लेस चांस होता है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों, चलो देख लेते हैं कि एक टर्म है, मैं लिख देता हूं यहां पर मिटिल्स मर्ज। ये टर्म जो है दोस्तों किसके लिए यूज की जाती है, किसको रेफर करती है ये टर्म, रेफर्स टू, किसको रेफर्स करती है ये टर्म, किसके लिए ये टर्म यूज की जाती है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं कि मिटिल्स मर्ज जो है ये टर्म यूज करी जाती है किसके लिए। तो ये की जाती है दोस्तों क्या कि डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन, डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के दौरान जो एब्डोमिनल पेन होता है वो कैसे पता चलता है, वो जो पेन होता है उसे क्या कहते हैं, मिटिल्स मर्ज पेन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बहुत शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर मेरी तैयारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उसकी बेहतरीन हो गई है। आप एक बार बस 7 बना के रखें, आपको बेहतरीन चीज़ यहाँ से मिलेगी, वादा है मेरा आपसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलो देख लेते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाए तो क्या हो सकता है, क्या कोज करता है। तो ये कोज क्या करता है दोस्तों, कि ये कोज करता है क्या, ओव्यूलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ओव्यूलेशन कोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, कि एलएच सर्ज अकर इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएच सर्ज, बिल्कुल दोस्तों एलएच सर्ज जो है कब होता है, अकर्स इन,
एलएच सर्ज कब होता है दोस्तों? तो एलएच सर्ज होता है कब दोस्तों? 24 आवर बिफोर ओविलेशन, बिल्कुल दोस्तों 24 घंटे पहले ओव्यूलेशन के 24 घंटे पहले होता है दोस्तों, क्या एलएच सर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 क्या रहेगा दोस्तों कि ड्रग ऑफ चॉइस इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, क्या होगी ड्रग ऑफ चॉइस। कल के सेशन में मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि डीओसी ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लोमीफेन सिट्रेट। क्या है दोस्तों? क्लोमीफेन सिट्रेट जो है वो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। दोस्तों बने रहो, शानदार से शानदार चीज आपको मिलने वाली है, धैर्य बनाकर रखें। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ, ये साइन किसका होता है? स्पिन बार्केट अपीयरेंस साइन ऑफ किसका साइन होता है दोस्तों? जल्दी सी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन सुन लो, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की, प्रेगनेंसी या ओव्यूलेशन। तो स्पिन बार्केट अपीयरेंस ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में देखने को मिलता है। बिल्कुल दोस्तों ओव्यूलेशन के अंदर ये देखने को अपने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या रहेगा फ्रेंड्स? कि फर्न टेस्ट इज यूज्ड टू असेस। बताएं दोस्तों कि फर्न टेस्ट का यूज़ किसको असेस करने के लिए किया जाता है, किसको किया जाता है दोस्तों? फर्न टेस्ट का यूज़ क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारे आपको करवा दिए हैं फ्रेंड्स, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला, ये मेरा आपसे वादा रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा दोस्तों, अब अपन देखते हैं कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, कि द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए कौन सा हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन सुन ले, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, गोनेडोट्रोपिन एंड एस्ट्रोजन, या फिर गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, तीनों। तो दोस्तों बिल्कुल याद रखना, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा क्या? गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ये तीनों के तीनों दोस्तों देखने को मिलेंगे, रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। बहुत ही शानदार अपना सेशन चल रहा है दोस्तों, आप बने रहें हमारे साथ, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48
वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, आपका लाइक करना मेरे को मोटिवेशन देना और मेरे से बेहतरीन सेशन लेना बात इक्वल है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे और अपना जो टारगेट है 100+ लाइक का, उसको आप ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों एक बार लाइक कर दें और एक बार सेशन के बीच में मुझे बता दें कि सेशन सही चल रहा है या नहीं, कैसा चल रहा है सेशन आपका। आज मैं दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे उसके 100 क्वेश्चन होए, चाहे उसके 100 से कम होए, चाहे उसके 100 से ज़्यादा होए। आज अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ कंप्लीट कर लेंगे। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ग्लैंड responsible for initiating the menstrual cycle। बिल्कुल दोस्तों, कौन सी ग्लैंड responsible है मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरुआत करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा दोस्तों, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 50 अपनी होने वाली है दोस्तों, बधाई हो एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 49, जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मेरा उनसे वादा रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 अपन देखते हैं कि ए मदर विद 9 मंथ बेबी इज प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी, कि एक मदर है जिसका 9 मंथ का क्या है बेबी है और वो प्लान कर रही है, क्या प्लान कर रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन अपन कर रहे थे कि प्लानिंग फॉर ट्यूबेक्टोमी कि जो फीमेल है उसके 9 मंथ का बेबी है और वो ट्यूबेक्टोमी करवाने की प्लानिंग कर रही है, तो आइडियल टाइम फॉर सर्जरी बताएं दोस्तों, आइडियल टाइम क्या रहेगा सर्जरी करवाने का। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन इसका रहेगा कौन सा, ओव्यूलेटरी फेज। दूसरा ऑप्शन इसका रहेगा सेक्रेटरी फेज। तीसरा ऑप्शन इसका रहेगा मेंस्ट्रुअल फेज। चौथा ऑप्शन इसका रहेगा प्रोलीफ्रेटिव। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा क्या, ऑप्शन 4 प्रोलीफ्रेटिव फेज होगा। ट्यूबेक्टोमी जो है दोस्तों बेस्ट होती है विद इन ए वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के एक वीक बाद, आफ्टर 1 वीक ऑफ मेंस्ट्रुएशन बेस्ट टाइम होता है, और वो फेज कौन सी होती है, वो होती है प्रोलीफ्रेटिव फेज होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बहुत बधाई हो दोस्तों, 50 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ओवेरियन साइकिल इनिशिएटेड बाय किससे इनिशिएट होती है ओवेरियन साइकिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। बिल्कुल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोस्तों 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों
50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं और एक है आपके लिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी, बिल्कुल दोस्तों राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के नाम से अपना इंस्टाग्राम पेज है दोस्तों, ये है इंस्टाग्राम पेज, ये इंस्टाग्राम पेज है, आप इसको डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी सर्च बार में सर्च करोगे तो आपको ये लोगो अपना दिख जाएगा और अपना जो पेज है उसको आप ज़रूर ज़रूर फॉलो ज़रूर कर लें। इसको फॉलो करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है, बहुत बेहतरीन, हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेगा, नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको क्विजेज मिलेंगे, आपको यहाँ पर स्टोरी के रूप में क्विज मिलेंगे, आपको यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट्स जो टेबल्स होती है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी दोस्तों। इसको आप ज़रूर ज़रूर क्या करोगे, फॉलो करोगे, इसको आप ज़रूर ज़रूर फॉलो कर ले दोस्तों, यहाँ पर फॉलो का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों जो भी साथी टेस्ट अपना दे रहा है, फ्री टेस्ट, उसकी अगर रैंक जानना चाहता है अपनी इंडिविजुअल रैंक, तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मैसेज कर दें अपना नाम लिख के कि सर मुझे अपनी रैंक बताएं, तो मैं उसको रैंक अपने उसकी रैंक आपको डिलीवर कर दूंगा। और दोस्तों आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, अपना पेज का नाम है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी, दोस्तों भूलना मत, राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी इसी नाम से अपना पेज है। तो दोस्तों ये ऑफिशियली अपना ही पेज है दोस्तों, तो ऐसे मत सोचना कि किसी दूसरे की एडवर्टाइजमेंट अपन कर रहे हैं, नहीं दोस्तों ये अपना ही पेज है, जिस पर आपको ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियली जो पेज है दोस्तों ये अपना ही है। तो चलो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी, अब देखते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन सेशन पर आते हैं। और दोस्तों सुबह का सेशन आपने अगर अटेंड नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि सुबह के सेशन में अपन ने कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया पढ़े थे कि कौन कौन सा मिनिस्टर क्या क्या काम करता है, पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ा था दोस्तों। तो एक क्वेश्चन मिनिस्टर पे आएगा, ज़रूर आएगा दोस्तों जीके का, तो आप उसको वहाँ से ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ, लेटेस्ट चीज़ें आपको दी जा रही है दोस्तों, तो आप उनको ज़रूर ज़रूर कवर कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, टाइम कम है। 51 नंबर क्वेश्चंस क्या रहेगा दोस्तों अपना, 51 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एवरेज ब्लड लॉस इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, बताएं दोस्तों क्या होता है, कितना रहता है। तो नॉर्मल जो ब्लड लॉस रहता है वो रहता है कितना, 50 से 100 ml, 50 से 100 ml जो ब्लड है वो लॉस होता है दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एवरेज अगर पूछे, एवरेज अगर एवरेज अपन देखें इसका, ये तो एक रेंज हो गई, और एवरेज अगर देखें अपन तो दोस्तों कितना, 35 से 40 ml, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज है जो कांस्टेंट रहती है दोस्तों, कांस्टेंट फेज कौन सी रहती है, वो रहती है अपनी ल्यूटियल फेज, बिल्कुल दोस्तों ल्यूटियल फेज जो होती है वो कांस्टेंट फेज होती है। कितने दिनों की होती है वो ल्यूटियल फेज दोस्तों, ये रहती है अपनी कितनी, 14 डेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, दोस्तों क्या क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियल ग्लैंड किस में देखने को मिलती है, कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम किस में देखने को मिलती है।
दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कॉर्क स्क्रू शेप्ड एंडोमेट्रियम किसमें देखने को मिलती है? तो दोस्तों मैं आपको देता हूँ इसके ऑप्शन देता हूँ दोस्तों आपको। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है लेट सीक्रेटरी फेज। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों? वो रहेगा अर्ली प्रोलीफरेटिव फेज। ऑप्शन थर्ड क्या रहेगा दोस्तों? लेट प्रोलीफरेटिव फेज। और ऑप्शन जो डी है दोस्तों, जो ऑप्शन फोर है, वो रहेगा अपना अर्ली सेक्रेटरी फेज। बताएं दोस्तों कॉर्कस्क्रू शेप एंडोमेट्रियम कौन सी फेज के अंदर देखने को मिलती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एंडोमेट्रियम है देखने को मिलती है अपने को कौन से, अर्ली सेक्रेटरी फेज के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, ये कब देखने को मिलती है? अर्ली सेक्रेटरी फेज के अंदर ये अपने को देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, दोस्तों ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या कहलाता है, किसको पता हो तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, मीनार्की। और ये कितनी एज में होती है दोस्तों? ये 12 से 17 साल की एज में होती है मीनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसे कहते हैं क्या, सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मीनोपॉज कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, बेहतरीन सेशन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, आज अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट। बिल्कुल दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैंने आपको थ्योरी नहीं करवाई, तो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ कंप्लीट आपका करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? मेन कॉज ऑफ मीनोपॉज का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है दोस्तों? मीनोपॉज होने का मेन कॉज क्या रहेगा? चलो देखते हैं इसका राइट आंसर कि मेन कॉज क्या रहेगा मीनोपॉज होने का। तो फ्रेंड्स क्या रहेगा मेन, तो लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। बिल्कुल दोस्तों, इसका मेन कॉज क्या रहेगा? लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका क्या हो जाना, कमी हो जाना, जिससे क्या होगा, मीनोपॉज हो सकता है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या रहेगा दोस्तों अपना, कि हॉट फ्लैशेज डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड मूड। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉट फ्लैशेज डिस्टर्ब स्लीप्स एंड मूड्स डिस्टर्बेंस आर सीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस आर
seen are seen during the period of seen during the period of during the period of ये क्या कौन सा पीरियड कहलाता है पीरियड ऑफ कौन सा पीरियड ये कहलाता है दोस्तों तो ये कहलाता है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है क्या ये कौन सा पीरियड कहलाता है हॉट फ्लैशेस देखने को मिलेंगे डिस्टर्ब मूड स्लीप डिस्टर्बेंस मूड डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलता है किस स्टेज में दोस्तों अपने को तो मेनोपॉज के अंदर मेनोपॉज में ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है दोस्तों मेनोपॉज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन क्या होगा चलो देखते हैं। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर विच हार्मोन कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है दोस्तों कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जरूर देना दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर कि विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है क्या एस्ट्रोजन इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं एस्ट्रोजन किससे सीक्रेट होता है दोस्तों तो एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट होता है किससे ग्राफियन फोलिकल से ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या रहेगा दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा फीमेल हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम ओवेरी ओवेरी से कौन सा फीमेल हार्मोन है वो सीक्रेट होता है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दे दोस्तों क्या होता है फीमेल हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम ओवेरी ओवेरी से कौन सा फीमेल हार्मोन है जो सीक्रेट होता है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों चलो देखते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों आज अपना जो टारगेट है वो 100 प्लस लाइक का रहेगा तो 100 प्लस लाइक्स आप जरूर करें। जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं जितने भी साथी वीडियो बाद में देखेंगे उन सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें भाई आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61 क्या है द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है दोस्तों बताइए कि
इंक्रीज कब होता है, बेसल बॉडी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कब होता है, ओव्यूलेशन की वजह से क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन रहेगा दोस्तों क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बिल्कुल दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होगा, 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बीएम जो बॉडी बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है बेसल बॉडी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन, प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं दोस्तों कि हार्मोन इज प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन प्रेगनेंसी, कि कौन सा हार्मोन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है यूट्रस को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी ऑफ यूट्रस को मेंटेन करने के लिए, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है दोस्तों क्या करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को होल्ड करता है वो कहलाता है कौन सा, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होता है दोस्तों, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्या रहेगा दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन का एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन सा होता है प्रोजेस्टेरोन का दोस्तों, तो वो कहलाता है क्या, मिफेपेरिस्टोन जो है वो इसका क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है प्रोजेस्टेरोन का। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों कि विच हार्मोन स्टिमुलेट ओसाइट मैच्योरेशन, स्टिमुलेट ऊसाइट मैच्योरेशन, ऊसाइट को स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ऊसाइट मैच्योरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए, तो दोस्तों वो होता है कौन सा, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साथियों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो के लास्ट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट सूचना रहेगी, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें आप सभी, बहुत ही शानदार आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 66 क्या होगा दोस्तों, 66 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों अपना क्या, कि अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बींग्स इज मेंटेन बाई, अर्ली प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, अर्ली प्रेगनेंसी को ह्यूमन में कौन मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है दोस्तों। पहला ऑप्शन ले लो इस क्वेश्चन के, प्लेसेंटा, अर्ली प्रेगनेंसी में पूछ रहा हूँ प्लेसेंटा। दूसरा ऑप्शन रहेगा कार्पस ल्यूटियम। तीसरा ऑप्शन रहेगा अपना क्या दोस्तों, ब्रेस्ट सीक्रेशन। और
लास्ट ऑप्शन अपना रहेगा दोस्तों क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर दे दोस्तों कि अर्ली प्रेगनेंसी को ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन मेंटेन करता है। तो दोस्तों अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जो है दोस्तों वो अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है दोस्तों कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, कॉर्पस ल्यूटियम को सीएल लिख रहा हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से जो है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेट करता है बताओ दोस्तों कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो दोस्तों कॉर्पस ल्यूटियम कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम करेगा दोस्तों प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन इसके अलावा एस्ट्रोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, 100+ लाइक का अपना टारगेट है। जितने भी साथी लाइव देख रहे हैं वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सेशन है, ऐसा सेशन आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसका जो है दोस्तों नहीं मिलेगा। तो इस सेशन को आप अच्छे से अटेंड करो, बीच में भागो मत, आ जाते हो लाइव फिर चले जाते हो, आ जाते हो, ऐसे नहीं चलता दोस्तों, देखना है तो कंप्लीट वॉच करो। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इसके अलावा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, इसके अलावा इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन, ये जो है दोस्तों चारों हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, कि द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, चीफ सोर्स क्या है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का दोस्तों क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम किससे डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम, कॉर्पस ल्यूटियम किससे डेवलप होता है दोस्तों, तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है दोस्तों किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनता है, डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों अपना क्या, क्वेश्चन नंबर 70 अपना रहेगा दोस्तों क्या कि कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव अप टू, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इज फंक्शनली एक्टिव, इज फंक्शनली एक्टिव, फंक्शनली एक्टिव अप टू कब तक दोस्तों, कब तक फंक्शनली एक्टिव रहता है, तो ये रहता है दोस्तों 10 to 12 weeks, बिल्कुल दोस्तों 2.5 to 3 months तक क्या है ये एक्टिव रहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है दोस्तों, चलो अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 अपना रहेगा दोस्तों कि
इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय, इनहिबिन इज सीक्रेटेड बाय, सीक्रेटेड बाय इनहिबिन किससे सीक्रेट होता है दोस्तों? तो इनहिबिन सीक्रेट होता है किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मेमरी ग्लैंड इज मैमल्स आर मॉडिफाइड, मेमरी ग्लैंड इन मैमल्स आर मॉडिफाइड, कि मैमल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड जो है दोस्तों, वो मेमोरी ग्लैंड किससे मॉडिफाई होती है, मॉडिफाई किससे किया है दोस्तों? तो आर मॉडिफाइड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वीट ग्लैंड, जो स्वीट ग्लैंड है दोस्तों, स्वीट ग्लैंड जो है उसका मॉडिफाई रूप है क्या, क्या है दोस्तों? मेमोरी ग्लैंड मैमल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 दोस्तों, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, वीडियो को आप लाइक करें दोस्तों, 100+ लाइक का अपना टारगेट है, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें। जिन भी साथी ने वीडियो लाइक नहीं करी है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करा करो दोस्तों। आप सभी के लिए बेहतरीन सेशंस अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल दोस्तों एमसीक्यू सेशन जिसका नाम मैंने लिखा है रैपिड रिविजन न्यूट्रिशन का चल रहा है सीरीज़, रैपिड न्यूट्रिशन सीरीज़ जो किसकी चल रही है, न्यूट्रिशन की चल रही है दोस्तों, जिसके अंदर 5 क्लासें अपन करवा चुके हैं, 5 क्लासें ज़रूर देखना दोस्तों। सुबह 7:30 बजे ये क्लास अपलोड होती है, एक दिन आपको न्यूट्रिशन की क्लास, एक दिन आपको जीके की क्लास मिल रही है दोस्तों, और बहुत ही जल्दी प्रीति मैम आएगी आपके सामने, आप जीके की क्लास लेकर, जीके की क्लास कंटिन्यू करेगी, बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लासें कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो जीके की क्लासें हैं वो भी न्यूट्रिशन के साथ साथ जीके की क्लासें भी अब आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स चलो अपन देखते हैं इसके बाद में एमसीक्यू सेशन के बाद में जो अपना सुपर सेशन कब होता है, वो होता है दोपहर को 12 बजे से सुपर सेशन होता है, और इवनिंग में 7 बजे से दोस्तों 7 PM अपनी क्या है थ्योरी की क्लास होती है। और दोस्तों एवरी संडे एंड वेडनेसडे दोस्तों, वेडनेसडे को क्या होता है अपना फ्री टेस्ट सीरीज होता है दोस्तों, किसी को नहीं जाना हो तो ये पूरा अपन बता दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 73 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कि ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेस्ट जो है किससे कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ, तो दोस्तों ब्रेस्ट जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, कंपोज किस किस से मिलकर बनता है, वो होता है दोस्तों क्या, ग्लैंडुलर एंड फैटी जो टिशू होते हैं दोस्तों उनसे मिलकर बना होता है फैटी टिशू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट, कि फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट क्या होती है दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों क्या, एसी नाई सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट कहलाती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट के अंदर जो होते हैं क्या 12 से 20 क्या लोब्स होते हैं, और ईच लोब्स में दोस्तों क्या देखने को मिलेगा अपने को, 10 to 100 लोब्यूल्स
10 to 100 लोब्यूल्स अपने को देखने को मिलता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 क्या रहेगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म इन फीमेल। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन should be performed in a female. कब करना चाहिए इन ए फीमेल, बताओ दोस्तों कब, कौन सा टाइम होता है, सूटेबल टाइम होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को करने का, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने का। तो फ्रेंड्स सबसे जो सूटेबल टाइम होता है वो होता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन जो है वो होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसके बारे में कौन कौन सा वो टाइम होता है सूटेबल। तो दोस्तों परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो मंथली कब करना होता है दोस्तों, 7 से 10 दिन बाद, 7 days आफ्टर मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के बाद, 7 से 10 दिन बाद अपने को करना होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए अपने को यूज़ करना होता है अपोजिट जो हैंड है अपना वो यूज़ करना होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा क्या अगर मीनोपोज है तो मीनोपोज में क्या है दोस्तों, एक दिन फिक्स करते हैं मंथ में, 1 day फिक्स कर लेते हैं मंथ में कि इस दिन अपने को करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्शन टेस्ट फॉर मोस्ट कॉमन कैंसर इन वोमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, कौन सा डिटेक्ट करते हैं, तो वो होता है दोस्तों कौन सा, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए अपने को स्क्रीनिंग करने के लिए। स्क्रीन करती है ब्रेस्ट कैंसर से स्क्रीनिंग करनी होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है दोस्तों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में अपने को क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 मोस्ट अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल्स क्या क्या है, चलो दोस्तों देख लेते हैं कि द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम। बिल्कुल दोस्तों कि द प्रोसेस इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम को डेवलप करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, वो कहलाती है ऊजेनेसिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग जो ह्यूमन एग है
ह्यूमन एग है, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो होता है क्या, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी वो क्या कहलाता है, फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कि वन एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। देखते हैं दोस्तों, तो 79 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, 79 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अपना कि एन इंडिविजुअल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसाइट्स क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा क्या, पहले इसका ऑप्शन देख लो दोस्तों। पहला ऑप्शन है एट प्यूबर्टी। ऑप्शन बी है दोस्तों क्या, मिडल एज। ऑप्शन सी है दोस्तों क्या, एट बर्थ। और ऑप्शन डी है क्या, एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इंडिविजुअल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ओसाइट कहाँ देखने को अपने को मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, कि फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल क्या कहलाता है, फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल क्या कहलाता है दोस्तों, गर्ल के अंदर जो फर्स्ट इवेंट है प्यूबर्टी का वो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्या, थिलार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 81 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स बताओ दोस्तों क्या होगा करेक्ट सीक्वेंस, प्यूबर्टी का डेवलप होने का करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा दोस्तों, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगी, थिलार्की, उसके बाद प्यूबार्की, उसके बाद मीनार्की। बिल्कुल दोस्तों ये सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ फुली मैच्योर ओवम है, उसका डायमीटर क्या होगा दोस्तों, उसका डायमीटर होता है 130 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, चलो देखते हैं कि ऑनसेट ऑफ
प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल, 8 ईयर्स इन गर्ल की दोस्तों की ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो है वो 8 साल से पहले ही अगर प्यूबर्टी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइम से पहले ही क्या आ जाना दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाना टाइम से पहले ही, तो प्यूबर्टी आ जाना वो कहलाती है दोस्तों प्रीकोशियस प्यूबर्टी कहलाती है दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा अपना दोस्तों। चलो देखते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ डी यू बी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए दोस्तों डी यू बी की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग जो है वो फुल फॉर्म होती है डी यू बी की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 क्या रहेगा अपना दोस्तों कि ट्रीटमेंट ऑफ डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा इन यंग वोमेन के अंदर क्या ट्रीटमेंट रहेगा दोस्तों इसका। तो इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा क्या, हॉर्मोन्स इंजेक्ट करने पड़ेंगे दोस्तों, तब जाके क्या होगा डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मोस्ट कॉमन जेनिटल प्रोलैप्स क्या होता है, मोस्ट कॉमन जेनिटल प्रोलैप्स क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सिस्टोसील जो है वो मोस्ट कॉमन जेनिटल प्रोलैप्स में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87 क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों क्या है कि वेजाइनल फिस्टुला दैट ओपन इनटू रेक्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है ये फिस्टुला, इस फिस्टुला को रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 कि दोस्तों पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों
वो कहलाता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, क्या कहलाता है दोस्तों? डिसमिनोरिया, डिसमिनोरिया कहलाता है, डिसमिनोरिया कहलाता है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं दोस्तों जल्दी सी, फिर इसको फिनिश करते हैं अपन, कि मिनोरेजिया क्या होता है। वैसे अपन कल के सेशन में ये अपने कंप्लीट कर लिया था दोस्तों, तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। मिनोरेजिया क्या होता है? रेगुलर टाइम्ड और एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, रेगुलर टाइम होती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना देख लेते हैं। ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना बिटवीन टू मिंसेस, ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना बिटवीन टू मिंसेस क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन, अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। जो मोस्ट जो क्वेश्चन थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब कल, सॉरी मिलते हैं आज शाम के शानदार थ्योरी के सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों। कैसा लगा आज का सेशन एक बार फीडबैक जरूर दे दें सभी, सेशन कैसा लगा। चलो दोस्तों मिलते हैं आज शाम को। थैंक यू सो मच।